उत्तर भारत में मैदानी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी तेज गर्मी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर नगर निगम ने जंगली जानवरों को गर्मी से राहत देने के खास इंतजाम किए हैं। जंगलों में 6 जगहों पर साफ पानी और ताजी सब्जियों का बंदोबस्त किया जा रहा है। आज का जो मौसम है, इस दौर के अंदर जो है, आजकल यहाँ आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और हालांकि इससे पहले यहाँ पर आग भी लगी थी, लेकिन जिस तरीके से जो नगर परिषद ने और जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने यहाँ पर जो व्यवस्था की है, जैसे हमें मालूम चल रहा है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था, जो जीव जंतु हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की है, फलों की सब्जियों की व्यवस्था यहाँ पर की है, अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। और ऐसा शायद पहली बार इस तरीके का जो व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। ये जो जंगल में जंगली जानवरों के लिए और उनके लिए जो कमेटी ने आज टब रखे हैं प्लास्टिक के, और कुछ खाने के लिए खीरा और टमाटर और सब्जियां रखी हैं कि जिससे कि जंगली जानवरों को यहाँ पानी मिल सके, इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। ना कोई बारिश हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, तो इसमें हमारी नगर परिषद है जो डिसीजन लिया है, उसमें ये डिसीजन लिया है कि हम इन जंगलों में पानी वो खाने पीने का जानवरों को, पशु पक्षियों को व्यवस्था करें, जिससे मतलब इनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिले। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को हमीरपुर का तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यहां अगले करीब 2 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।